आपके लिए कौन सा एनएल बेस्ट है की वॉट शुड बी द बेस्ट प्रेफरेंस और द बेस्ट चॉइस ऑफ एनएलू फॉर मी जनरली बच्चों के लिए लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मेरे घर से कितना दूर होगा मेरा कॉलेज रैंकिंग के बाद मैं कहूँ दूसरा मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो है प्लेसमेंट कि जो आपके इंटरेस्ट्स हैं गोल्स हैं

आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए कौन सा एनएलयू बेस्ट है अब क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं तो उसमें आपको एनएलयू की प्रेफरेंसेस भी फिल करनी होती हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रेफरेंस और द बेस्ट चॉइस ऑफ एनएलयू फॉर मी तो आज के इस सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप अपनी एनएलयू प्रेफरेंस करते हैं शॉर्टलिस्ट कि मुझे कौन से एनएलयू को प्रेफरेंस देनी चाहिए तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज फॉर योरसेल्फ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट एनएलू है तो वन बाय वन अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो आपको कंसिडरेशन में रखने चाहिए वाइल्ड शॉर्टलिस्टिंग योर प्रेफरेंसिस फॉर दल यूज तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर शुड बी लोकेशन जनरली बच्चों के लिए लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मेरे घर से कितना दूर होगा मेरा कॉलेज कई बच्चों को घर से दूर रहना पसंद है कई बच्चे चाहते हैं कई बच्चों को फ्रीडम चाहिए अब मैं बहुत दिन अपने मम पापा के साथ रह लिया मैं तो जाता हूँ मेरा कॉलेज कहीं दूर हो ताकि मैं अपने खूब मौज मस्ती करूँ और वो पेरेंटल कंट्रोल वाली फीलिंग मुझे ना रहे तो इसके अलावा भी और चीजें हैं जो लोकेशन के फैक्टर में काउंटिंग की जाती हैं। सो लोकेशन की अगर हम बात करें कंसीडर द लोकेशन ऑफ एनल्यू इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल प्रेफरेंस क्लाइमेट का हो सकता है फैमिली और फ्रेंड्स से कितना दूर रहोगे या जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेंगी वहां आफ्टर ग्रेजुएशन ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए है ना कई बार बच्चों के लिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा कंसिडरेबल लोकेशन का हो गया उससे भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रैंकिंग जो एन आई आर एफ है वो आपके एनएलूज की रैंकिंग देता है कि कौन सा एनएलू बेटर फर्स्ट पे है सेकेंड पे है थर्ड पे है रैंकिंग में और ये रैंकिंग किस बेसिस पे बनाई जाती है ये रैंकिंग बनाई जाती है उनकी एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है इसके अलावा वो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ प्लेसमेंट कैसी होती है वहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इसके अलावा वहां पर कैसा माहौल है कैसी करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं कैसा उसका वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वहाँ फॉलो की जाती है ये सब फैक्टर्स कंसिडरेशन में रख के एनआरआई जो है एन की रैंकिंग क्रिएट करता है तो आप वहां से भी वो रैंकिंग देख सकते हैं कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कौन से टॉप एन हैं और उसके बेसिस पे भी अपनी प्रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं तो रैंकिंग की अगर हम बात करें दे आर रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक रेपुटेशन फैकल्टीज कैसे हैं वहाँ रिसर्च आउटपुट कैसा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ के प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसे हैं कि कितनी लोगों की जंगली बैच में प्लेसमेंट्स होती है तो ये जो है रैंकिंग आई वुड से शुड बी वन ऑफ द फॉरमोस्ट फैक्टर्स जो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस क्या होगी एनएलयू को लेकर अगेन ये जो जितने भी फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे हर बच्चे के लिए एक डिफरेंट अप्रोच होगी इसलिए आपकी प्रेफरेंसेस भी वेरी करेंगी यू योर हैव टू चूज फॉर येल्फ कि आपको क्या लगता है आपके लिए कौन सा एनएलयू बेस्ट रहने वाला है तो वही अगर हम फीस की बात करें फीस भी एक बहुत ही बड़ा कंसिडरेबल फैक्टर है कि कि आपके एनएलयू की प्रेफरेंस में पॉकेट पे कितना कॉस्ट पड़ने वाला है कितना बर्डन पड़ने वाला है तो बहुत बार फीस जो है वो भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है इन टर्म्स ऑफ चूजिंग योर एनएलयू अगर हम यहाँ पर फीस की जनरल आइडिया बात करें जितनी भी आपकी एनएलू है जनरली आपकी फाइव इंड कि जो फीस रहती है दैट रेंज इज बिटवीन 10 लाख टू 40 लाख हर एनएलयू का अलग फी स्ट्रक्चर है सो एनएलयू वेर्री इन टर्म्स ऑफ देयर फीस तो आप कितनी फीस देने में कंफर्टेबल हैं आप कितनी फीस दे पाएंगे वो भी एक बड़ा फैक्टर रहता है इन चूजिंग योर एनएलयू तो वो भी अगेन एक पर्सनल फैक्टर हो गया जो आपको खुद देखना होगा आपको अपने लिए उस चीज को फिर सेलेक्ट करना होगा देन अगला फैक्टर पे अब हम चले फैकल्टीज फैकल्टीज क्योंकि आप डेली बेसिस पे अपनी फैकल्टीज से ही इंटरेक्ट करते हो कॉलेज में आप सबसे ज्यादा टाइम आफ्टर योर फ्रेंड्स आप फैकल्टी के साथ ही बिताते हो और फैकल्टी जो है वहां पर वो ही आपको एक दर, एक, एक, तरीके से आपका मार्गदर्शन करती है आपको पढ़ाते लिखाते हैं उसके अलावा भी फैकल्टीज का बहुत अहम रोल होता है आपकी लाइफ में कि आपको वो ऑप्शन बता सकते हैं या आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि आपकी क्या करियर चॉइसिस हो सकती है क्या पाथवेज हो सकता है कैसी इंटर्नशिप्स आपको करनी चाहिए कैसे मूड कोर्ट के लिए प्रिपेयर आपको करना चाहिए तो फैकल्टी का थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम uh, रोल होता है सो कंसिडर द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ फैकल्टी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन तो ये भी एक फैक्टर है जो आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं वाइल चूजिंग द बेस्ट एनएलयू फॉर योर सेल्फ फिर वही अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है लाइब्रेरी हो गई क्लासरूमिटीज हो गई अब बहुत बच्चे अगेन जो घर से दूर रहते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है कि मुझे साथ ही कॉलेज के हॉस्टल भी मिल जाए बट सभी एनएलूज में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है तो ये भी एक बार चेक कर लेना अगर आपको मैटर करता है कि आपको कॉलेज के साथ ही हॉस्टल अटैच चाहिए तो नॉट एवरी इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटीज अगेन हॉस्टल फैसिलिटीज ऐड होके क्या फीस स्ट्रक्चर में चेंज होता है इस चीज से भी अपने आप को अपडेट कर लेना और अकॉर्डिंगली फिर अपनी एनएल की शॉर्ट लिस्टिंग कर ले कर लेना फिर प्लेसमेंट रैंकिंग के बाद मैं कहूं दूसरा मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो है प्लेसमेंट कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में या एनएलयू में प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं प्लेसमेंट का रेट जनरली क्या रहता है कि एक बैच से कितने परसेंट लोगों की प्लेसमेंट होती ही होती है या क्या क्या पैकेजेस वहां पर ऑफर किए जाते हैं ये एक बहुत ही महत्व uh, महत्वपूर्ण फैक्टर है वाइल यूर शोट लिस्टिंग द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड प्रेफरेंसेज सो कंसिडर द एवरेज सैलरी पैकेजेज ऑफर्ड बाई दैट विजिट द एन एलूज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन जिस एनएलू में आप जाना चाहते हो वहां पर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए क्या क्या पैकेजेस उन्होंने पिछले सालों में ऑफर किए हैं एवरेज पैकेज क्या रहा है ये सब चीजें आपको नेट पर मिल जाएंगी इजीली अवेलेबल है आप सारी चीजें इनफैक्ट वी आर दिस गोइंग टू बी अ वीडियो ऑन आर चैनल आल्सो कि कौन सी NLU's में जनरली पैकेज कितने कितने रहते हैं तो वो वीडियो से भी रेफरेंस ले सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंसेज आपके लिए मेक करना बहुत आसान हो जाएगा फिर एल्यूमिनाई नेटवर्क नेटवर्किंग बहुत जरूरी है इट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स नेटवर्किंग चाहे आप कॉलेज में है तब बहुत जरूरी है नेटवर्किंग चाहे आप आउटसाइड आप कॉलेज भी हैं तब भी बहुत जरूरी है क्यों आप कॉलेज में नेटवर्किंग जब बिल्ड करते हैं आप अलग अलग लोगों से आपके मान लीजिए कोई एल्यूमिनाये है वो आ, आपके यहाँ पर कोई लेक्चर देने आए हैं आप उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं दे मे हेल्प यू आफ्टर योर ग्रेजुएशन कि कहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलेंगी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से तो एल्यूमिनस या आपका एल्यूमिनाय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी करियर ट्राजेक्ट्री में भी क्योंकि

फिर उसके बाद योर ओन इंटरेस्ट एंड गोल्स आप चेक कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है कैसे वो करिकुलम फॉलो करते हैं कैसे वहां पर क्या आपकी जो होबीज हैं इंटरेस्ट हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स क्या वो वहां पर फुलफिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे तो ये क्राइटेरिया भी आप कंसिडर कर सकते हैं करिकुलम शुड बी रेलिवेंट टू योर इंटरेस्ट एंड गोल कि जो आपके इंटरस्ट हैं गोल्स हैं क्या वो वहां से फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी आप करिकुलम से आइडिया लगा सकते हैं अगेन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या करिकुलम फॉलो होता है वो आप उनकी वेबसाइट्स पर भी जाकर देख सकते हैं देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हो गए डिबेट्स हो गई या पब्लिकेशन हो गई आई रिसेंटली हैड एन इंटरेक्शन विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन वहां उन्होंने जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट बताया वो यही था कि कॉलेज के दौरान जितना इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं चाहे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं चाहे डिबेट्स हैं चाहे पब्लिकेशंस हैं दे हेल्प यू हाउ डू दे सी वी बनाएंगे उसमें आप मैंशन कर सकते हैं ये ये मेरे अकम्पलिशमेंट्स हैं मोर देन दैट दे हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस द मोर यू एक्सपोज यूर सेल्फ टू सच सिचुएशन जहां आपको लगता है कि अभी मैं इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ बट ओनली वेन यू वंस ट्राई इट देन ओनली यू विल गेट टू नो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है यू कैन अकॉर्डिंगली वर्क अप ऑन देम और कॉलेज टाइम इज द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ आप न इम्प्रूव आप पे काम कर सकते हैं अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं आपको लगता है इन्हीं से आपको इंटरेस्ट भी आपका पता चल जाएगा जैसे कि जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मुझे लिटिगेशन में जाना चाहिए या मुझे कॉर्पोरेट फॉर्म में जाना चाहिए तो यहाँ जब आप मोड कॉर्ड कॉम्पिटिशन करेंगे या अलग अलग सेमिनार्स में पार्ट लेंगे आपको आपकी इंक्लिनेशन भी पता चल जाएगी आपके इंटरेस्ट भी पता चल जाएंगे तो ये भी आपको देखना चाहिए ये फैक्टर भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से लूज में ज्यादा से ज्यादा मूड होते हैं, हैं हैं डिबेट्स होती होती या क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है ठीक है जी सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड वाइल्ड शॉर्ट लिस्टिंग द एन यूज फॉर योर सेल्फ सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन आई होप ये बच्चों के लिए फ्रूटफुल और यूजफुल रहेगा अगेन आप सभी के कोई भी डाउट्स हैं कोई एन से रिलेटेड आप कोई इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल एड्रेसिंग योर डाउट्स देयर आर ऑल्सो सो थैंक यू एवरी आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहड थैंक यू